हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में यार हम देखने वाले हैं जो हमारे पॉइंट प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं उसमें जो हमारा मेथड है इसका नाम है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं यार कि पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ खास है। अगर मैं आपको ये रिवाइज कराऊँ कि जो पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स थी तो उनमें हम एक्चुअल में करा क्या करते थे। अब अगर आपको ये लगता है कि ये पेपर एक इमेज, ठीक है ये इमेज है, अब मैं अपनी पॉइंट प्रोसेसिंग वाली टेक्निक में क्या करूँगा, इस इमेज के हर पिक्सल पर हर पॉइंट पर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा, कुछ कैलकुलेशन मान लो मैंने एक हर पॉइंट पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन अप्लाई करके इस वाली इमेज से एक नई इमेज मॉडिफाइड इमेज ऑब्जर्व कर ली, तो ये हुआ मेरा जो भी आउटपुट फ्रॉम द पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब इस पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक के अंदर आता है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो हम अपनी ओरिजिनल इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें से एक है ये पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं यार कि ये पावर लॉ जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका है अपनी ओरिजिनल इमेज पे हम कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो एक कंसीडर करो सिचुएशन जहाँ पर आपने एक इमेज कैप्चर करी, प्रिंट करी या किसी भी फॉर्मेट में आपके पास एक इमेज है और आपको उस इमेज को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अपने कंप्यूटर में प्रोसेस करना है उसे। बट जो आपने इमेज किसी भी फॉर्मेट में ऑब्जर्व करी है वो कहीं ना कहीं लीनियर नहीं है, उसमें जो कैप्चर हुआ उसकी जो क्वालिटी है वो नॉन लीनियर है, उसके अंदर नॉन लीनियरिटीज हैं। तो हमें क्या करना है यार, जो अपना कंप्यूटर है उसके अंदर उसको जब इमेज को आपको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप नॉन लीनियरिटी के साथ तो अपनी इमेज को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। सो उस सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन रह जाता है वो ये रहता है कि पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है, आप अप्लाई करोगे अपनी इमेज पर और उसकी नॉन लीनियरिटीज़ को आप ख़त्म करोगे। अब आप उस नॉन लीनियरिटी को ख़त्म किस तरह से करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मान के चलो आपकी इमेज है जिसका नाम मैंने दे दिया एफ एक्स कॉमा वाई, ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। अब मैं क्या करूँगा इस अपनी ओरिजिनल इमेज पर कुछ मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। आप मान लो मैंने एक वेरिएबल सी है जिसकी कुछ भी वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, और एक गामा है, ठीक है ये मैथमेटिकल फार्मूला मैंने बना दिया अपनी इमेज के ऊपर। मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऑपरेशन कर डालूंगा और एक नई इमेज जिसका नाम होगा जी एक्स कॉमा वाई, जो मॉडिफाइड इमेज है, वो मेरे को एज एन आउटपुट मिल जाएगी। आप इसको इतना ही सिंप्लीफाइड रखो, ठीक है आपके पास ये इमेज आ गई। अब इस इमेज ने क्या करा कि जो आपके नॉन लीनियर पॉइंट थे उनको कुछ ना कुछ कर्व में कन्वर्ट कर दिया, गामा की और सी की वैल्यू के हिसाब से। ये मान लो आपकी जो नॉन लीनियरिटीज थी वो कुछ कर्व में कन्वर्ट हो गए, ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे कर करके आपकी इमेज पर कुछ कर्व बन गए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑब्जर्व होने लगी, तो वो हो गया आपका पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर कुछ पावर्स के हिसाब से कुछ कॉन्स्टेंट के हिसाब से आपके जो नॉन लीनियर पॉइंट्स थे वो कुछ लीनियर कर्व्स में कन्वर्ट हो गए और आपको एक मॉडिफाइड इमेज एज एन आउटपुट मिल गई। ये हुआ एक तो आपकी फॉर्मेट मतलब जो नॉन लीनियर इमेज थी वो एक लीनियर इमेज में कन्वर्ट हो गई, साथ ही साथ जब इतने सारे आपके कर्व बन गए, एक लीनियर कर्व बन गए, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई उसके अंदर इमेज के ऊपर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सी एंड गामा, तो उस इमेज वाले फॉर्मेट ने क्या करा जो आपके इमेज का डायनेमिक रेंज भी बढ़ा दिया। अब उसकी डायनेमिक रेंज भी बढ़ चुकी है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कर्व्स आ चुके हैं बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कराई उन लीनियर नॉन लीनियर पॉइंट्स की वजह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कराई और अलग अलग कर्व बन गए जो कि अब लीनियर हैं किसी तरह से, अब हम अपनी इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कि आपकी इमेज भी एक लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही साथ उसकी डायनेमिक रेंज भी इंक्रीज हो गई। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करते जाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।